ये देखिए हमारा सांभर हो गया तो बहुत ही लाजवाब टेस्टी बना है। तो ये अब हम देखते हैं हमने कैसे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग आफिया तो खैर के साथ होंगे। आज हम सांभर बना रहे हैं होटल जैसा। सांभर के लिए मैंने एक प्याली पूरा दाल लिया है, ये हमारा तुअर दाल है। इसे हम 10 से 15 मिनट भिगा लेंगे। ये देखिए हमने दाल भिगा लिया, अब इसे हम बॉईल कर लेंगे कुकर में। इसके अंदर हम नमक डाल और हरी मिर्ची डाल के उबाल लेंगे। मैं स्किप करती हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे तीखा नहीं चाहिए, लेकिन आप हरी मिर्ची डाल लीजिएगा। अब इसे हम बॉईल कर लेंगे और इसके अंदर हम हल्दी नहीं डालेंगे, हम लाल मिर्ची लास्ट में डालेंगे क्योंकि हमें ये पीला नहीं चाहिए, हमें लाल चाहिए। इसलिए हम इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम अपने सांभर में। ये देखिए हमने सांभर के लिए कुछ सब्जियां लिया, जिसके लिए मैंने गाजर लिया है, ये बैंगन लिया है, एक कांदा लिया है, आलू लिया है आधा मैंने, आप अपने हिसाब से एक भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मेरे पास कद्दू नहीं है, जो पम्पकिन और फ्रेंच बीन्स नहीं है, तो मैंने दोनों ही स्किप कर दिया है। और ये मेरा सिंक फली है जिसे मैं काटने के लिए अभी रखी हूँ। देखिए ऐसे करके आप लोग काट लीजिएगा, जिससे बहुत ही आसानी से आपका सिंक फली कट जाएगा, छिलके उतर जाएंगे। ये देखिए, और मेरे पास दो सब्ज़ी नहीं है, जो फ्रेंच बीन्स और कद्दू, तो आप लोग होगा तो आप लोग डाल दीजिएगा, ना ऐसे भी आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सब्ज़ी अगर कम भी रहे तो चलेगा, लेकिन ना आप लोग बनाइएगा ज़रूर और कमेंट में भी बताइएगा कि कैसा बना। ये देखिए ये हमारा हो गया है पूरी सब्जियाँ कंप्लीट। ये देखिए हमारा सिंक फली पूरा हो गया है और ये हमारा छौंकने का है। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज का कांदा लिया, जिसे मैंने लच्छेदार काट लिया, आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं। और ये मैंने दो टमाटर लिया है, आप अपने हिसाब से कम से ज़्यादा कर सकते हैं। इन सांभर में टमाटर से खट्टापन जो आता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग टमाटर डालिएगा। और ये इमली है जिसे हमने 10 मिनट के लिए भिगा दिया है। ये देखिए हमारी दाल गल गई है, ऐसे ही हमें चाहिए था, हम इसे थोड़ा मैश कर देंगे बस। ये देखिए हमने एक कढ़ाई रखी और इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। मैं 2 पारी ऑयल डाल रही हूँ उसके अंदर, इसे हम गर्म होने देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा हीट हो गया, तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून सरसों डाल देंगे, इसे चटकने देंगे। ये देखिए हमारा चटक गया, तो इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे, इसी के अंदर हम मेथी दाना डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा। ये देखिए मेथी दाना, अब इसी टाइम पे हम इसके अंदर अपने कांदा डाल देंगे। बहुत हीट हो गया था इसलिए मैंने कड़ी पत्ता नहीं अभी डाला है, अब इसके अंदर हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, वरना हमारे कड़ी पत्ता जल जाते हैं। बहुत हीट हो गया था गैस, इसलिए मैंने पहले कांदा ही डाल दिया। इसे 2 मिनट के लिए हम नरम होने देंगे। देखिए हमारा नरम भी हो गया है, तो इसी टाइम पर हम टमाटर अपने डाल देंगे और इसे भून देंगे। हम इसके अंदर थोड़ा नमक डाल दे रहे हैं क्योंकि हमने डालने भी डाला इसलिए हम कम डाल रहे हैं। अब इसी टाइम पे हम अपने सारे वेजिटेबल्स और ये सब डाल देंगे, टमाटर के साथ ये भी गल जाएंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, थोड़े से हम डालेंगे। ये हमारा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जो हमने एक पूरा भर के यूज़ किया 1 टीस्पून, अब इसे हम ढक्कन लगा कर रख देंगे गलने के लिए। मैं तड़के में मिर्ची डालना भूल गई थी तो मैं अभी डाल दे रही हूँ। और इसके अंदर हम थोड़ा हींग डालेंगे, लास्ट में हम डाल रहे हैं क्योंकि इससे खुशबू आएगी। आप पहले डालेंगे ना मसाला, मतलब कांदे वांदे में, तो वो जल जाता हींग। अब इसके अंदर हम अपने दाल डाल देंगे और देखिए हमारे सब्जी सिर्फ 10 मिनट में सिलो आँच पे हमारी गल गई है। और अब इसके अंदर हम एवरेज का सांभर मसाला डाल रहे हैं, आप चाहे कोई भी ब्रांड का आपके पास है आप वो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे बादशाह का ले लीजिए, चाहे सुहाना का ले लीजिए, आपके पास जो भी ब्रांड का हो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम उबाल आने देंगे, अगर आपको तीखा चाहिए तो इसी टाइम पर आप मिर्ची का, मतलब मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। ये देखिए आप लोग भी बनाइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा बने। बहुत ही लाजवाब बनता है, बिल्कुल बाजार जैसा ही बनता है। बस ये लाल मिर्ची छौंकने में आप डाल दीजिएगा, मैं भूल मेरा रह गया था, भूल गई। ये देखिए इसी टाइम पे आप नमक और तीखा चख लीजिएगा और इसे एक हल्का उबाल आने दीजिएगा, लेकिन इसे मीडियम आँच पर रखिएगा, फास्ट पे मत रखिएगा, वरना कि इसके ऊपर पूरा झाग जैसा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारा सांभर रेडी हो गया है। ये देखिए हम इमली का पानी डाल रहे हैं, मैं भूल गई थी इमली का पानी डालना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने छान लिया है इमली को, क्योंकि इमली के बगैर ना बनता नहीं है, इमली के पानी से ही इसका सांभर का टेस्ट उभरता है, इसका खट्टापन। अब इसे हम पकने देंगे थोड़ा 5 मिनट अच्छे से।
ये देखिए हमारा सांभर हो गया तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना। आप लोग भी बनाएगा, मुझे कमेंट में बताएगा कि कैसा बना। आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये बहुत ही लाजवाब बना है, देखिए कितना अच्छा और कलरफुल दिख रहा है हमें।